फेमिना ब्यूटी कितनी एक्साइटिंग होती है और क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के शाम को लेकर फेमिना ब्यूटी को लेकर? फेमिना ब्यूटी, आई रियली डू बिलीव ब्यूटी कम्स फ्रॉम विद इन, एंड आई एम समबडी हु एक्चुअली बिलीव्स कि अगर आपका मन साफ है ना तो आप बाहर से जैसे भी दिखें, आई थिंक आप एक ऑरा, एक तेज लाते हैं जो 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 लोगों को बहुत पसंद आता है. आई हैव सीन इट्स रियली आँखें कभी झूठ नहीं बोलती, एंड आई फील लाइक व्हेन यू स्माइल एंड इफ यू आर अ नाइस पर्सन फ्रॉम विद इन एंड यू स्माइल विद योर हार्ट, इफ यू फील विद योर हार्ट, इफ यू टॉक विद योर हार्ट, it's a lot more beautiful to watch and be around, and that is why with Femina Beauty I feel beauty comes from within. तेजस्वी प्रकाश हो गया है. I don't मैं नकित तेजस्वी मतलब प्रकाश और बढ़ गया तेजस्वी. मैं बस अभी जैसे एवर सिंस आई गॉट आउट ऑफ द बिग बॉस हाउस आई हैव जस्ट बीन बिजी फोकसिंग ऑन माय वर्क. लाइक आई इवन टोल्ड यू लास्ट टाइम आई हैव बीन वांटिंग टू डू न्यू थिंग्स इन लाइफ, एंड सो या आई एम जस्ट रियली फोकसिंग ऑन दैट एंड फोकसिंग ऑन शोइंग अदर लाइक एवरीबडी एल्स इन अ फॉर्म ऑफ माई सेल्फ दैट नो वन्स एवर सीन मी बिफोर. सो दैट्स प्रीटी इंटरेस्टिंग. हाँ, मेरी गाड़ी आज आई है एंड आई डिसाइडेड दैट आई एम नॉट गोइंग टू लेट एनीबडी ड्राइव इट. तो आई थिंक दिस माइट बी द फर्स्ट पर्सन ड्राइविंग इन अ गाउन. मैं खुद गाड़ी चला के आई हूँ. सो आई हैव ड्रिवन टू द अवार्ड्स टुनाइट इन माई गाउन, इन माई हील्स, एंड आई हैव कम टू द अवार्ड्स एंड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी अबाउट दैट. आई थिंक दैट्स वेरी बैड एस. बैठने का येस ऑफकोर्स. सबसे पहला मौका ऑब्वियसली करण को तो है ही बिकॉज ही वॉज विद मी वेन वी गॉट द कार, एंड या बस उसी वही काफ़ी है. एंड टुडे आई एम ड्राइविंग इट बिकॉज इट्स द फर्स्ट डे, पर इसके बाद करण ही ड्राइव करेगा ये गाड़ी. आई हैव अ फीलिंग दिस इज गौरी एंड नैनिका and my very dear friend Shalina styled me and I'm extremely happy with it. The jewelry is poppy and I love Gauri Nanika collection. I'm extremely happy wearing them today. So yeah, I'm just going to have fun. I'm going to probably get a lot more out of this award, award function, and I think I'm just gonna have fun and just be myself. That's what I do best, so I'm gonna stick to that. Thank you so much. Thank you. Thanks. Hello. Hi. Okay. Sure. That's what I do best. Wait. Well, a couple of people that So, Mylan. Thank you.
थिंक हर अवार्ड फंक्शन के लिए मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ, फील्स गुड. और आज तो रियल हीरोज भी है तो बहुत अच्छा लगता है, फील्स नाइस. आई थिंक ये मेरा ड्रेस है, आई एम वेयरिंग ग्रीन कलर, फील्स गुड, नाइस, अच्छा लग रहा है. एंड आई थिंक आई एम हियर फॉर फेमिना मामा अर्थ आज, जहाँ पर मैं रियल हीरो से भी मिलूंगी. वी ओनली लिसन अबाउट देम, गेट टू रीड अबाउट देम. आई थिंक टुडे आई थिंक दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म टू सी देम पर्सनली आल्सो. सो या, थैंक यू. मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि बहुत टाइम बाद मैंने कुछ ऐसा अलग सा किया. एंड द सॉन्ग इज ऑल्सो वेरी नाइस. आएगा, व्हेन इट विल कम आई विल टॉक ऑन द राइट टाइम. थैंक्स. अगेन सी दैट. हाँ हाँ. Femina beauty, I really do believe beauty comes from within. And I'm somebody who actually believes ki agar aapka man saaf hai na to aap bahar se jaise bhi dikhe, I think aap ek aura, ek tej laate hain jo jo te jo logon ko bahut pasand aata hai. I have seen it's really aankhein kabhi jhooth nahi bolti. And I feel like when you smile, and if you are a nice person from within, and you smile with your heart, if you feel with your heart, if you talk with your heart, it's a lot more beautiful to watch and be around. And that is why with Femina Beauty, I feel beauty comes from within. तेजस्वी प्रकाश हो गया है. आई डोंट, मैं नक्कीच तेजस्वी, मतलब प्रकाश और बढ़ गया तेजस्वी. मैं बस अभी जैसे एवर सिंस आई गॉट आउट ऑफ द बिग बॉस हाउस, आई हैव जस्ट बीन बिजी फोकसिंग ऑन माय वर्क. लाइक आई इवन टोल्ड यू लास्ट टाइम, आई हैव बीन वांटिंग टू डू न्यू थिंग्स इन लाइफ. एंड सो या, आई एम जस्ट रियली फोकसिंग ऑन दैट एंड फोकसिंग ऑन शोइंग other like everybody else in a form of myself that no one's ever seen me before. So that's pretty interesting. aapki luxurious car aayi hai to thoda bataiye ki kaisi chal rahi hai. ha mera meri gaadi aaj aayi hai and I decided that I'm not going to let anybody drive it. So I think this might be the first person driving in a gown. main khud gaadi chala ke aayi hu. So I've driven to the awards tonight in my gown, in my heels, and I've come to the awards and I'm extremely happy about that. I think that's very badass. kise kise bhar ka drive karna karengi aane, like Sunday aayega, Monday, Saturday, kise kise drive karenge apni gaadi mein bitha ke, kise kise mauka denge apni car mein baithne ka? baithne ka, yes, of course. sabse pehla mauka obviously Karan ko to hai because he was with me when we got the car. And yeah, bas usse wahi kaafi hai. And today I'm driving it because it's the first day. But iske baad Karan hi drive karega ye gaadi, I have a feeling. This is Gauri and Nanika, and my very dear friend Shalina styled me, and I'm extremely happy with it. The jewelry is poppy, and I love Gauri and Nanika collection. I'm extremely happy wearing them today. Yeah. Just I'm just going to have fun. I'm going to probably get a lot more out of this award, like you know, award function. And I think I'm just going to have fun and just be myself. That's what I do best. So I'm going to stick to that. Thank you so much. Thank you. Thanks. Hello. Hi. Yeah, please clear.
इधर लेते हैं, वो कपड़ा भी ग्रीन पहन के आ गया और पूरा ग्रीन ग्रीन लग रहा है। और करना है यहाँ पे तुम्हारी यथा शक्ति मैच हो गया देख ऐसा निकल I had worn something more chill, more cooler. This is the first time that I've tried something like this and I feel so much more comfortable. Yeah, you always make me jealous right now. I don't care about my business, I'm just getting to that after right now. But too good, too amazing. Today we are celebrating beautiful people. Wait. Well, a couple of people that... So, bye. फंक्शन के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, इट फील्स गुड, और आज तो रियल हीरोज भी है तो बहुत अच्छा लगता है, फील्स नाइस। आई थिंक ये मेरा ड्रेस है, आई एम वेयरिंग ग्रीन कलर, फील्स गुड, नाइस, अच्छा लग रहा है, एंड आई थिंक आई एम हियर फॉर फेमिना मामा अर्थ, आज जहाँ पर मैं रियल हीरो से भी मिलूंगी, वी ओनली लिसन अबाउट देम, गेट टू रीड अबाउट देम, आई थिंक टुडे आई थिंक दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म टू सी देम पर्सनली आल्सो, सो या थैंक यू। बहुत खुश हूँ क्योंकि बहुत टाइम बाद मैंने कुछ ऐसा अलग सा किया एंड द सॉन्ग इज आल्सो वेरी नाइस। आएगा व्हेन इट विल कम, आई विल टॉक ऑन द राइट टाइम, थैंक्स। Thank you. So look who we have in here with us. We have Varun and Ghazal, the co-founders of Mama Earth. And we were waiting actually for you guys. When will you guys come on the red carpet and, you know? One person would be far too difficult, right? I mean, tonight we have gathered to celebrate so many such beautiful Indians. Right? We are a country of 1 billion people, and largely almost everyone is great at heart. But we are telling stories which we hope will inspire this generation to do more good. Right? So I think we're going to see a lot of those beautiful Indians inside, right? And we should wait for those stories to come out. So much inspiration coming from tonight, right? And I'm so happy you're part of event that is beautiful inside, right? It is. And I want to ask you one last question. What is, one? From Hemkund Foundation, they've done some fabulous work. And we've been partnering with them on that journey. And, you know, I think it's just been so many folks we keep in contact with. Yes. Thank you for sharing. I would like to do a few words for you. Are you excited for tonight? Very excited. Thank you. Excuse me. Come.
If you, are you from this team? Yeah. You can call them, they can do bites. Come on. Yeah. Anything here? Idhar kuch nahi karna na. Ishan, left, left. Ishan ji, left, left. I'm gold, pinky pink. Pinky pink, yeah. It looks good. Thank you. Maybe actually, go back and come back. Can someone? Bye, 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 bye. Yeah, yeah, Dhawal Bichan. Yeah, tell me. Yes. So, today we're celebrating. Ma'am, left, left. My mom, she's. She looks great at 60, almost. She's not 60, but she's heading there. And I think she's beautiful outside and inside. She's made us successful and she's the backbone of our family. So yeah, it has to be my mom. Mommy's first. Mommy's first. You enjoy yourself. Enjoy yourself. Hello, hello, hello. How are you? Hi. How are you? नाम बताओ पहले कौन कौन है नहीं पहले वाला सही था We're super excited, you know, today we're celebrating fashion, beauty and, you know, those things really excite us and just looking forward to just meeting all our friends and all of you. I think it's very, very exciting. We keep meeting. Also lockdown khatam ho gaya uski khushi alag hai so everybody is here and events are finally happening so really happy to be here without a mask because it's mask free Bombay beautiful outfit hai uske bare mein thank you you know I think main aur Prakriti hamesha try karte hain ki hamare thode outfit mile jule I think we should just be in sync because we are always in sync but we came to know about the event really last minute we got something very similar so yeah, I actually love what we're wearing because it's our favorite colors and I feel amazing and what that's my favorite color and that's her favorite color so touch thoda switch hua but we're really happy and super excited to meet everyone inside and just celebrate with everyone I could just go on gaana bhi aaram se aap logo gaana bhi aapko nahi mile the us din but yes that's in the office mein but that's another super exciting it's an international collaboration yeah I think that will be very very exciting I think September mein everyone should be able to hear it a collaboration hai with a very very exciting artist all the way from Italy so I think pehli baar aisa hoga that you hear Hindi music with Italian music and that's coming up next nahi gaane ka wait karenge to aur excitement badhegi aapko dobara milenge I think gaana September फेमिना के लिए हमेशा एक्साइटेड होती हूँ ऑल्सो आई थिंक फेमिना से सब की बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं एंड फेमिना इवेंट का मतलब ही होता है समथिंग स्ट्रॉन्ग वुमेन हुज एम्पावर्ड एंड आज की औरत सो इट्स ऑलवेज गुड टू बी एंड यू नो दिस इज अ गुड इवेंट लाइक इट्स विद सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स रिसाइकलेबल प्रोडक्ट्स इट्स नाइस थैंक यू ये मैं बस ये कहना चाहूँगी कि आई थिंक टुडे व्हेन आई वाज टेलिंग काजवी जो आपके साथ बैठी हुई है आई हैव टू पॉइंट हर आउट इट वाज अ वेरी लास्ट मिनट थिंग बिकॉज मैं थर्ड ट्रैवल कर रही थी इंडिया में नहीं थी एंड शी सेड इवेंट है चलते हैं तो इट वाज वन ऑफ दोज वेरी लकी थिंग दैट आई गॉट एंड आई पुट ऑन एंड आई लुक फैब ऑन इट सिट्स सो एंड आई फील नाइस ऑन अ रेड कार्पेट इट्स ऑलवेज गुड टू बी बैक आश्रम की शूटिंग पूरी हो गई है हम एक्चुअली और तीन दिन में अपनी डबिंग शुरू कर रहे हैं विच आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट बिकॉज आश्रम एक ऐसा शो आई थिंक बहुत लोग वेट कर रहे हैं उस शो के लिए क्या
जब जब बाबा जी आते दिखे जब नाम बोला एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था बिकॉज आई ऑलरेडी शॉट विद प्रकाश सर चैप्टर भी की थी मैंने उनके साथ सो इट वॉज ऑलमोस्ट कमिंग बैक टू द सेम इंस्टीट्यूशन मगर तब मैं बहुत डरी थी चक्रव्यूह के टाइम पे क्योंकि प्रकाश जा पर इस टाइम में ईशा गुप्ता बन के गई तो डर नहीं था सेट बहुत अच्छा है यू नो देयर ग्रेट एक्टर्स ऑन सेट बहुत बड़ा यूनिट है हमारा बिकॉज आपने आश्रम देखी है एंड इट्स वेरी एक्साइटिंग कैरेक्टर ऐसे शोज इट्स बीन इन कॉन्ट्रोवर्सी बट इट्स बीन रियली नाइस टू बी अ पार्ट थैंक यू सो मच थैंक यू मैं तो बहुत बिलीव करती हूँ एज यू नो लॉकडाउन के दौरान मैं एक्चुअली घर गई थी थोड़ा टाइम के लिए सो आई लव माई फैमिली एंड फॉर मी फैमिली इज एवरीथिंग Yeah, I'm wearing Bhavna Rao. I've been styled by Malvika Teta and we've gone for a very old Hollywood glamorous look. So I work with two charity foundations. एक है World for All Animals जो सिर्फ और सिर्फ animals के लिए है. So we actually help street dogs, street cats. We actually help them like find new homes and we also pick them up the street. We've got animal ambulances also right now. So I'm very excited. और the Shiksha Foundation is mainly to help the education of girls. अभी बहुत सारे अनाउंसमेंट्स होने वाले हैं लेकिन मैं अभी तो बात नहीं कर सकती थैंक यू So I'm very, very proud to be part of this. I think the most inspiring thing is to see the girls of India just become more educated and be able to have the choices that they deserve. So yeah, I genuinely believe this is a Brinda Sneha creation. That's so beautiful. Thank you. It makes me feel very feminine. So I thought it was perfect for Femina. I'm just really proud of Femina and Mama for actually doing this and recognizing the people who अभी बहुत कुछ आने वाला है आई थिंक अभी मैंने एक्चुअली गाना रिलीज़ किया है इट्स कॉल्ड हॉली हॉली एंड इट्स अ पंजाबी सिंगल एंड इट्स डूइंग रियली वेल थैंक गॉड एंड पीपल आर रिसीविंग इट रियली वेल कवर फ्रॉम द बैक कवर सिमरन कम Awesome. बहुत एक्साइटेड हूँ एज लॉन्ग एज जब फेमिना की बात आती है तो बींग अ फेमिनिस्ट यू आर ऑलवेज एक्साइटेड टू अटेन द रेड कार्पेट ऑफ फेमिना एंड दिस मामाज आर्थ इज यू नो लाइक ज्वाइंट हैंड विद फेमिना तो बहुत अच्छा लग रहा है एंड या लुकिंग फॉरवर्ड टू द इवेंट Okay, so this is kind of an Indo-Western gown और हमने बहुत जल्दी में पिक किया क्योंकि I was supposed to travel for my shoot
अब्रॉड, लेकिन वो क्योंकि पोस्टपोन हो गया, सो आई एम अटेंडिंग दिस रेड कार्पेट टुडे. तो आई होप यू लाइक दिस आउटफिट. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Yes, bro. ये गंगू भाई का आउटफिट है. नहीं नहीं नहीं, ये गंगू भाई का आउटफिट बिल्कुल भी नहीं है. दिस हैज बीन स्टाइल्ड बाय प्यू, माई डियर स्टाइलिस्ट. सॉरी, दिस हैज बीन स्टाइल्ड बाय प्यू, दैट्स व्हाट आई सेड. सॉरी क्यों बोलना पता. बहुत एक्साइटेड हूँ. आई मीन देर आर सो मेनी पीपल हु विल बी सेलिब्रेटेड एंड इट्स इम्पॉर्टेंट टू गिव देम रिकॉग्निशन. एंड ऐसे प्लेटफॉर्म में रिकॉग्निशन मिलना बहुत अच्छी बात है, बिकॉज तब लोगों को पता चलता है जो लोग काम कर रहे हैं इतने सारी चीज़ें के ऊपर. सो इट्स गुड टू ऑलवेज गुड टू मोटिवेट देम एंड टू कीप गिविंग देम रिकॉग्निशन फॉर गुड वर्क. बताना नहीं, बता नहीं सकता. हाँ, बट बोल. हाँ, होपफुली होपफुली. तू बता कैसे. नहीं अच्छे लग रहे क्या? तू बता, मैं काटता हूँ. अच्छे लग रहे हैं ना? हाँ, तो फिर क्यों काटने का, क्यों खर्चा करने का? कूल मैन, थैंक यू ब्रदर. बचपन से मेरे घर आती थी, जब मैं छोटी थी मेरी मम्मा पढ़ती थी. सो इट्स लाइक यू नो वन ऑफ द फर्स्ट मैगजीन्स जो मैंने कभी देखी, जिसमें इंट्रोडक्शन हुआ टू मेरा कितनी सारी चीज़ों से विच आर रिलेटेड टू वुमेन, इवन अबाउट वुमेन हेल्थ, वुमेन फैशन, सो मेनी थिंग्स. सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी हियर, बिकॉज मुझे अवार्ड भी मिल रहा है फेमिना की तरफ से आज ब्यूटिफुल इंडियंस की कैटेगरी में. सो आई वॉन्ट टू थैंक फेमिना फॉर दैट. आई थिंक मैं सिर्फ एक्सरसाइज करती हूँ और खाना मैं घर का खाती हूँ और ज़्यादा मैं कुछ करती नहीं. मैं पार्लर की ट्रीटमेंट्स, केमिकल ट्रीटमेंट्स वगैरह मैं बिलीव नहीं करती, तो मैं ब्लीच वगैरह कभी नहीं कराती. एंड आई थिंक जितना नेचुरल रहते हैं उतना अच्छी लगता है. ज़्यादा कुछ स्किन को टचअप करते रहें तो फिर आई थिंक इट गोज़ फॉर अ टॉस. या आई जस्ट, इट वॉज लास्ट मिनट डिसीजन, मुझे समझ नहीं आता क्या पहनूँ. सो आई जस्ट टुक आउट दिस सिंपल ब्लैक ड्रेस मेरे आउटफिट में से एंड आई जस्ट वोर इट. या ब्लैक इज ऑलवेज सेफ. अभी तो मैं एक्टिंग पे कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ, तो अभी कुछ जैसे कुछ होगा तो अनाउंसमेंट आएगी. गुड गुड गुड. अ
Of course, it's a very strong representation of beauty. Femina has always owned up to that, so it's lovely to be here today. I'm wearing Demi by Gabriella. So it's very pretty, it's very pink, it's very me. So very happy to be in it. So my single just released called Tera Saath Ho. So yeah, I can sing a few lines for you guys. Hale se tu jo aake chule, tere chune se raat ho, teri meri dosti ki koi to shuruaat ho, ke aisa lagne laga roz tumse kisi bhi bahane se baat ho, bhul kar de jahan bas aao mere haathon mein tera haath ho, tera saath ho. Thank you, guys. Thank you. And the more you appreciate, the more of this event, especially because the thought of doing good know, is good. Itne sare log hain yahan pe who are trying to make a conscious effort to make the world a better place. So I feel life is good. Absolutely. Everybody is out there doing good work. And when you go through all the things and the work that they have done, something, not saying it's excited. दो साल का वेट था फॉर द फिल्म सो यू कैन इमेजिन बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है अब तो टू प्रोजेक्ट Some one story I'm not telling you to take both. There are people who are feeding people on a regular basis. And there's this little girl who's a diver. She's a youngest diver. She's 8 years old and she's educating and studying about the ocean life. There's one of my songs. So everyone, there are women who are fighting and supporting other women for their safety, their security, their solidarity. So there are so many. हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी पहले तो आप और
इसी बार मिल रहे हैं हम तीन दिन. हाँ बताओ, ओवरडोज हो गया आपको? बहुत सुंदर लग रहे हैं. ओ थैंक यू. ब्यूटीफुल आउटफिट है, थोड़ा आप इसके बारे में जरा बताइए कि. मैंने ना आई लव साड़ीज, तो मैंने एक डिफरेंट स्टाइल से साड़ी ये ड्रेप करी है, चंपारण स्टाइल से जिसको बोलते हैं. तो मैंने कहा कुछ थोड़ा सा साड़ी में थोड़ा डिफरेंट ट्विस्ट लाते हैं. सो दैट्स हाउ आई वोन इट. सरोजालांस आउटफिट अदरवाइज, तो वो बाकी सब स्टाइलिंग तो देव की संभालती है, बट आई लव साड़ीज सो आई एंजॉय वेयरिंग इट. तो ब्यूटीफुल पीपल वाली जो ब्यूटीफुल इंडियंस वाली बात है ना, कि एंड ब्यूटी मतलब कि ये नहीं कि जो मतलब जो हम सोचते हैं कि तैयार होके अच्छे से सुंदर लगने वाले, इसलिए पीपल वो ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड, उनको सेलिब्रेट करने वाले हैं आज. तो जिन लोगों ने कुछ ऐसा कंट्रीब्यूशन किया हो सोसाइटी के लिए या कंट्री के लिए जिसकी वजह से हम उन्हें ब्यूटीफुल ह्यूमन बींग्स कह सकते हैं, उनसे मिलने का मौका मिलेगा, तो वो डिफरेंट होने वाला है आज. आई विल गो एंड टेल देम कि भाई मेरा नाम सुंदर है, तो मुझे ब्यूटीफुली बुलाओ, सुंदर ही बुलाओ, और उनकी तरह है वॉट एवर द चूज. यार आई थिंक मे बी इट्स द सीजन वेयर पीपल हैव स्टार्टेड एक्नॉलेजिंग एंड वैलिडेटिंग माई प्रेजेंस हियर. मैं आई ऑलवेज थैंक द जूरी, कब जिस टाइम पे उनको मेरी याद आई, थैंक यू सो मच. शाबाश के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? बस अब रिलीज़ हो जाए, होने वाली है बहुत जल्द, तो अभी पता चल जाएगा. अभी फिलहाल तो मैं बहुत नर्वस हूँ उसको लेके, क्योंकि मैंने खुद देखी नहीं है पिक्चर अभी तक, और मेहनत बहुत करी है. मतलब तेल निकालने वाली मेहनत होती है ना, वो मेरा तेल निकल गया था. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग. अभी आई थिंक आई विल सी इट सून एंड देन द वर्ल्ड विल सी इट एज वेल. वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग फिल्म यार मेरे लिए, मतलब काफ़ी जान लगी है पिक्चर में. हाँ सबसे ज़्यादा. हाँ जी, आपको कुछ रह गया? इम्पॉसिबल. हाँ थैंक यू. अरे तेलुगु फिल्म है वो, एंड मैं हर साल एक मैं एक साउथ फिल्म करने की कोशिश करती हूँ, कि स्टार्ट वहाँ से किया था, तो मन नहीं करता कि छोड़ दूँ वहाँ पे काम करना. और ये तो बच्चों की फिल्म थी, मेरे को मौका मिला एक अच्छी स्क्रिप्ट का हिस्सा बनने का, तो चाहे जैसा मर्जी एक्सटेंडेड कैमियो वाला रोल था, बट आई रियली वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ अ गुड स्क्रिप्ट यार. मतलब अब वो स्टेज आ चुकी है जहाँ पे आई रियली वांट टू बी पार्ट ऑफ गुड फिल्म्स, आई डोंट हैव टू प्रूव एनीथिंग. कॉन्ग्रेचुलेशन. पहले तो मैं जलसा बहुत ही पसंद आ रही है, मुझे बहुत अच्छी लगी. थैंक यू. स्पेशली क्लाइमेक्स बहुत ही, मतलब क्या होने वाला हुआ कुछ और. हाँ आप बताइए कि क्या अमेजिंग आप देख रहे हैं उसके लिए क्या रिस्पॉन्स आ रहा है. इट्स जस्ट अमेजिंग, ओवरवेलमिंग. बट ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे कोई डाउट नहीं था दैट दिस इज द काइंड ऑफ रिएक्शन, बिकॉज आई थिंक इट्स आई मीन आई एम वेरी प्राउड टू बीइंग अ पार्ट ऑफ इट. यू नो ये जब पूरा लिस्ट मैंने पढ़ा ऑफ ऑल दीज अमेजिंग पीपल, आई फेल्ट वेरी लिटिल एंड हम्बल्ड, बिकॉज जिस तरह का काम लोग कर रहे हैं इट्स अमेजिंग, एंड आई एम सो ग्लैड दैट फेमिना एंड मामा अर्थ ने डिसाइड किया कि इन लोगों को फेलिसिटेट करें. आई थिंक इट्स जस्ट अमेजिंग. नेक्स्ट
रुको ना रुको ना, अभी तो जलसा सब देख रहे हैं. थैंक यू. सो जिस तरह से आपकी एक्टिंग को काफी अप्रिशिएट किया जाता है लाइक जलसा में हमने देखा, तो आप बताइए कैसे देखती हैं आप आपकी जिस जब भी एक्टिंग है काफी तारीफ होती है, काफी तारीफ हुई आपकी एक्टिंग को, जिस तरह से एक काम वाली भाई को जिस तरह से दिखाया जाता है, कैसे आपकी एक्टिंग की काफी तारीफ होती है, कैसे देखती हैं आप? बट आई फील थैंक, आई फील वेरी लाइक थैंक यू, और लगता है कि जो सोच कर करने गई थी वो अचीव कर पाई हूँ, सो इट्स ग्रेट, मोर हार्ड वर्क नेक्स्ट टाइम. बीच पर जाते हैं आप किसी बच्चों को लेकर? अभी नहीं, बिल्कुल नहीं. हेलो, कैन यू रिमेंबर मी, आई मेट यू एट नेटफ्लिक्स. हाय, हाउ यू डूइंग? थैंक यू, बाय. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खूबसूरत. यू वांट टू क्रॉस? गो, रन. नहीं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज, बहुत सारे खूबसूरत चेहरे दिख रहे हैं मुझे, एंड फेमिना इज सच एन अमेजिंग मैगजीन, इट्स बीन सच अ लवली ब्रांड नेम, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी एसोसिएटेड विद इट. डेब्यू करने वाली है? यस जी जी. सो काफ़ी सारी शॉर्ट फिल्म्स तो बनाई थी, सबका ख्वाब होता है अपनी फीचर फिल्म बनाने का, और मैंने बना ली फाइनली, एंड इस साल आएगी, इट्स कॉल्ड शर्मा जी की बेटी, और बहुत एक्साइटेड हूँ, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू दिस, एंड आई एम गेटिंग टू लिव माई ड्रीम. आई नो दे ऑल आर सो गुड, नो दे आर लवली आर्टिस्ट, एंड बोथ ऑफ देम इंस्पायर मी. थैंक यू. Left, 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 left
कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. पूछो एक एक सवाल पूछ लीजिए. बहुत एक्साइटेड हैं और फेमिना हमेशा मेरी फेवरेट मैगजीन रही है. एंड आई एम ऑल फॉर वुमेन, वुमेन पावर. या वुमेन की बात हुई, हमने सुना आपकी मैडम भी डेब्यू कर रही है. जी जी, बताइए कि आप कितने एक्साइटेड? बहुत एक्साइटेड, उनकी फिल्म तैयार है, देखते हैं कि कब आती है अभी. या कुछ एक्टिंग के टिप्स दी कि ऐसे नहीं ऐसे करना? नहीं नहीं, मैंने कुछ टिप्स नहीं दी, ऑलरेडी सीखी हुई है. Oh!
मिल गया ना इट इज़ अ गुड एंड नोबल कॉज बिकॉज वी आर अप्रिशिएटिंग गुड डीज एंड माई पीपल सो हमेशा बहुत अच्छा लगता है और एक विश्वास बना रहता है ह्यूमैनिटी से कि ऐसे इवेंट्स में आते हैं तो डिफरेंट क्या करने वाले ऋतु बताइए डिफरेंट तो बस वही हवाई एयरप्लेन उड़ा रहे हैं साथ में कुछ कंटेंट बना रहे हैं डेली लाइफ अपनी शूट कर रहे हैं और अभी टीवी पे तो स्मार्ट जोड़ी कर ही रहे हैं बस यही है ये जब हम मिले तो उसके पहले भी स्मार्ट ही थे अब बहुत स्मार्ट होते जा रहे हैं बस दुआ करो एलिमिनेट ना हो जाए हम और सबसे ज़्यादा स्मार्ट होंगे थैंक यू एवरीवन हाँ जी हाँ जी बेटा